ठीक है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप जहाँ पर भी हैं अच्छे हैं, और मेरी दुआ आप हमें समझते रहें और जिंदगी में तरक्की करते रहें और मौज लेते रहें। टेंशन फ्री, पेंशन फ्री। भाई आज मिलाने वाला मेरा दोस्त है मिस्टर राजू। भाई बंदे के बारे में क्या बात बोलूँ मैं भाई, सच में यार मतलब तुम जो एक चीज़ मानना जिंदगी में, मतलब जैसे किसी के जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके इंटरेक्शन अच्छे लोगों से ही मोस्टली होते हैं। अब मुझे पता नहीं ये मिरेकल है या गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं लोगों की लाइफ में, क्या होता है मुझे समझ नहीं आता। भाई ये मेरा दोस्त है, इसने थोड़ा मास्क पहना हुआ है, प्रिकॉशन मैंने तो बोला भाई, मैंने प्रिकॉशन मैंने ऑलरेडी दो दो कोरोना मतलब दो दो बार टेस्ट करा लिया ऑलरेडी, वैक्सीन ले चुका हूँ मैं, और नेक्स्ट वैक्सीन मेरी अक्टूबर में है। ठीक है, मिले मेरे भाई राजू से, ये बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है, मल्टी लैंग्वेज जानता है भाई ये, और दिल से भी अच्छा है, और आदत भी बहुत गोल्डन है भाई। जो भी मेरी चीज़ें यहाँ पे होती हैं ना, जैसे मैं कोई भी चीज़ केस करता हूँ, या केस मतलब कुछ चीज़ें मेरी ऐसी रहती हैं लाइफ की जो मैं अपने भाई से सीक्रेट करता हूँ, मतलब से शेयर करता हूँ, और इनसे पूछता हूँ कि भाई आपको बताइए कैसा लगता है। ये भी मुझसे बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हम कहाँ पर चीज़ें शेयर करते हैं लाइफ में भाई, मैं बताऊँगा, मैं तो बोलने का काम नहीं, मैं तो बोलूँगा भाई अपने बारे में, बोलो कुछ बोलो। हमारा दीदी दोस्त है, बहुत दिन से हमारा दोनों साथ में है, हम लोग दोनों जो जो हमारा अंदर में जो बात है दोनों ऐसा बात है, उसको किसी को नहीं बोलता सीक्रेट भाई, दोनों प्राइवेट रखते हैं चीज़ों को, मतलब मैं मेरी जो बातें इस तक पहुँचती है उसकी बातें मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दोनों केस आपस में लड़ लेते हैं। ठीक है, बाकी भाई देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, बंदा बहुत दिल से बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं लाइफ में जो मतलब मैं वो चीज़ें तो इसमें बताऊँगा नहीं वीडियो में, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं इस वीडियो को। ठीक है, बाकी मेरे दोस्त को मतलब एक जनरल स्टोर में काम है इसका, ठीक है, वहाँ पर काम करता है, और मैं आपको क्या बताऊँगा मतलब बंदा इतना डिसेंट है ना, ये मैं बताता हूँ। देखो मैं जहाँ पे काम करता हूँ, जब इसका भाई का खाना आता है, ठीक है, तो ये भाई या अपना खाना हमारे साथ बैठ के खाना शेयर करते हैं और साथ में बैठ के खाते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या है इसमें मैटर, मैटर ये कि देखो आदमी की इंसानियत देखी जाती है, ठीक है, और वो चेहरे पर दिखी होती है, मतलब चेहरे पर लिखी होती है कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब आपके चेहरे से पता चलती है। राजू भाई वैसे सच्ची में दिल से बहुत अच्छे इंसान है, मैं जब से यहाँ पाया हूँ ना, सबसे फर्स्ट फ्रेंड मेरे कोकराझार में ये भाई बने हैं भाई, तब से लेकर आज तक और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक भाई भाई की यादें रहेंगी। क्योंकि भाई मेरी भी एक बात है, मैं देखो मैं तो बताता हूँ, जिसको दिल से पसंद करो उसे कभी मिटाओ ना, और जिस दिल को भाया ही नहीं है उसको भी पसंद कर लो यार, इतनी भी कहना राजू किसी से। बाकी यार जहाँ पर दिल मिलते हैं इंसानों से वहाँ की अल्टीमेट फीलिंग आती है और अल्टीमेट बॉन्डिंग होती है। बाकी और बताओ अपने बारे में कुछ। और इस टाइम हम खाना खाते हैं भाई, शेयरिंग बहुत करता है सच्ची में, कभी कभी मैं खाना भी बनाता हूँ ना तो ये कि भाई भाई मैं बोलता से भाई, मैं एक दिन तो से मजाक में बोल रहा था कि चल यार मुझे मैंने खाना नहीं बनाया, ऐसे भाई ने तुरंत दूसरी मतलब प्लेट में लगा दिया खाना ले भाई, मतलब देखो यार हम किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन यार इंसान का दिल देख के जो ना उसके लिए जान देने के लिए कुर्बान करते हैं। तो भाई मैंने इस बंदे की आदत देखी है भाई सच्ची में, तब से मैं इसका फ़ैन हो चुका हूँ सच्ची में। यार फ़ैन किसी के भी हो सकते हो आप, यदि आपसे एक छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सीख रहा है या आपको सिखाता है तो आप उसके फ़ैन बन जाओ। अब सलमान खान शाहरुख खान के फ़ैन तो पूरी दुनिया ही है भाई, तुम ऐसे लोगों का फ़ैन बनो जिसका कोई फ़ैन नहीं है। ठीक है, बाकी ये काम भी दिल से करता है भाई अपना, सुबह आता है भाई 6 बजे आता है बंदा 6 बजे, और मैं ड्यूटी कितने बजे आता हूँ 11 बजे 12 बजे, मैं हमेशा ही लेट करता हूँ भाई पहले से, मेरी गंदी आदत रही है ये कोई मतलब बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग पंचुअलिटी और अनपंचुअलिटी का एक बहुत बड़ा मैटर होता है लाइफ में, तो तुम्हारा भाई पीछे रहता है तुम्हें मतलब पंचुअल नहीं है, हंसमुखर कॉमेडी है मतलब पूरा कॉमेडी करता है, अभी तो थोड़ा वीडियो में थोड़ा नर्वस आया मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो बाहर भी तो पूरे गप्पे सब तो मारता भाई, ये पूरी कॉमेडी कॉमेडी है जो हमारा भाई का है वो तो मेरा है, जो हमारा है वो नहीं इसका मेन इसका डायलॉग पूछ रहा है, बताता हूँ वीडियो में ये कहते हैं जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा ही है भाई, बोलना से नहीं होगा, किसी के बोलने से नहीं होगा, किसी की ताकत ही नहीं है जो छीन ले इससे कोई भाई, वो तो हमारे रहेगा और उनका भी हमारा रहेगा भाई। यहाँ पे कोकराझार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है भाई सच्ची बता रहा हूँ, मतलब
घूमना चाहिए लाइफ में, अगर जब आपको मौका मिलता है ना घूमना चाहिए। देखो अगर जो मैं नहीं घूमता तो भाई राजू भाई से कभी नहीं मिल पाता, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली बताया भाई को कि भाई मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। जो जो मन की बात है तो एक दूसरे से बैठ के कोई वीडियो बना लेते हैं, दिल की बातें शेयर कर लेते हैं, जो बातें आपको अच्छी लगती हैं आप दिल से बोलिए। भाई लॉकडाउन की हाँ तो भाई लॉकडाउन की मत पूछो, लॉकडाउन में तो भाई जींस ओपन कर करके ना स्लीपर में कहाँ कहाँ घूमे पतली पतली किसी गलियों में, लॉकडाउन बारिश गिरती है ना भाई यहाँ पे। पर भाई कोकरा जाके क्लाइमेट की सबसे बड़ी खास मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कितनी भी धूप होना कितना भी मोट समारोह पर लेकिन भाई पता नहीं भगवान यहाँ पे इतना मेहरबान है तुरंत बारिश कर देते हैं, क्लाइमेट को मेंटेन रखते हैं भाई, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने देते, बारिश होती है मेंटेन हो जाता है, उसके बाद फिर से धूप निकलती है थोड़ी सी, फिर बारिश होती है भाई, बिंदास है भाई। एक बार विजिट कीजिए यहाँ पे भी आके कोकराझार में, गुवाहाटी जब आते हैं तो कोकराझार का स्टेशन पड़ता है, इससे आगे एक बोगाई गाँव है, ठीक है, इससे पहले गोसाई गाँव पड़ता है ना वो पड़ता है, तो जब भी आपको मौका मिले घूम लीजिए, क्योंकि भाई लाइफ बहुत छोटी है, पर जहाँ पे मिले मौका फोन आएगा भाई का। तो भाई मैं इस वीडियो को जो ना यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और लोगों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं भाई। अब मैं क्या बोलूँ यार, देखो अच्छाई के बारे में क्या बोले यार, जितना बोलते हैं इतनी वीडियो बड़ी होती जाती है, क्योंकि एक दिल वाली बात होती है ना, क्योंकि जो जहाँ पे इंसानों के दिल मिल जाते हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे मैच खाती हैं और एक हैप्पीनेस होती है इंसानों के साथ मिलने के बाद, अच्छी वाइब आती है, जब आप किसी को ऐसा आइकॉनिक मानने लगते हैं ना अपनी लाइफ में, तो उससे रोजाना बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी मैंने सेकंड ब्लॉग में अच्छी एडिटिंग की है भाई, अपने हिसाब से पूरा बेस्ट किया है, पूरा खुला पाती मैंने यूज़ किया उसमें, आई होप तुम्हें वो सेकंड वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थर्ड ब्लॉग की तैयारी हो चुकी है, अभी फोर्थ ब्लॉग की तैयारी चल रही है भाई हमारी, ठीक है। ये ब्लॉग भी कल परसों तीन चार दिन में मिलेगा भाई, थोड़ा गेम के ब्लॉग में अपलोड करता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम तो देखिए, थोड़ा टाइम लगता है एडिटिंग वगैरह में, आप सब समझते हैं इन चीज़ों को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें मेरे भाई मिस्टर राजू ने थोड़ा कोरोना से रिलेटेड इन्होंने मास्क को पसंद दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप भी अपने दोस्तों को ऐसे जिनको आपको लगता है कि हाँ भैया बहुत अच्छे हैं उनको वैल्यू दीजिए, और बाकी को मतलब चमत्कार है भाई जिंदगी में, मतलब जहाँ पे आपको खुशियाँ मिलती है ना वहाँ पे आप खुशियाँ बटोरते रहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है, दुनिया के लिए गोल है ना भाई, जब लोगों से इंटरेक्शन करोगे बातें करना स्टार्ट करोगे तब पता चलेगा कि जिंदगी भाई मैं लोगों की कैसे कैसी चीज़ें पाती हैं, कैसे चीज़ें सफ़र करके जाती हैं। तो इसलिए इस वीडियो का अंत मैं यहीं पर करूँगा भाई, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप समझते होंगे कि मैं इस तरफ बार बार क्यों देखता हूँ, क्योंकि अगर बारिश की तरफ जो ना हाईवे है तो मैं इसलिए हाईवे की तरफ देखता रहता हूँ, थोड़ा मनोरंजन ना मिलता है ना ये देखने के लिए, थोड़ा टोटो ई रिक्शा वाले हाँ बोलो इतना गाड़ी जा रहे हैं आदमी जा रहे हैं देखने जा रहे हैं, खुशी भी मिलता है। तो आप समझ लेना जितने भी ब्लॉग में इधर इधर देखता था ना, मैं उससे उस तरफ इस तरफ भी देखता हूँ ब्लॉग में भाई, अच्छा लगता है यार, और क्या है बोलना ही था यार, बाकी एडिटिंग वगैरह में तो अपने ऊपर नीचे कर ही देंगे हम, क्या दिक्कत है। तो आप बस मैं वीडियो कहीं पे एंडिंग करता हूँ, बाकी एंडिंग में जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई, देखिए खुशी मिल रही है तो खुशी के साथ जिए, ठीक है, अपने मन को खुश रखिए ताकि आने वाले लोग और आपसे मिलने वाले लोग हमेशा आपसे खुश रहे और खुश सीखे, पूरे वक्त में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो दुख के साथ जीना और फिर आपसे लोग मिलेंगे फिर उनको अपना दुख बताना सही है, पर लेकिन जितना आप अपनी तरफ से अच्छी वाइब दे सकते हैं किसी को उतना अच्छा है, लोग इंस्पायर होने चाहिए आपसे हमेशा मिलने के बाद, ठीक है, उन्हें जीने की थोड़ी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपको मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और इन भाई को भी बहुत अच्छा लगा इंट्रोडक्शन देखे इस वीडियो में, बाकी मैंने इनसे बोला था भाई आपको वीडियो में मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ आपके ऊपर एक, तो सोचा चलो आप बनाते जाते जाते एक बार ब्लॉग बना लेते हैं भैया के ऊपर भी, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का और अपने सभी फैमिली मेम्बर का।
और तरक्की करते रहिए। उनसे दुआएं भाई आप लोगों के लिए। थैंक्स ब्रो, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी। बाय बाय बोलते भाई, बाय बाय।